आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले यहाँ मौजूद सभी हजरात को ईद मिलाद की पेशी मुबारकबाद मैं देता हूँ। मिलाद नबी पैगंबर मोहम्मद का सालगिरह है। इंसानियत को मिलजुल कर रहना इस ईद का पैगाम है। मेहरबानी, हमदर्दी और तालीमात को आम करना इस ईद का इरादा है। पिछले दो सालों से दो फेस्टिवल्स एक ही वक्त आने पर मुसलमान अपनी छुट्टियों को मुख्तसर करते हुए अपनी यकजहती का इजहार कर रहे हैं। जी हां नाजरीन, ये दोनों फेस्टिवल्स जो दो मुख्तलिफ मजाहब के लिए पसंदीदा है, गणेश उत्सव और मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन माना जाता है। इस साल गणेश निमर्जन 17 सितंबर को है और मीलादुन्नबी उसी दिन पर आ रहा है। इस सूरत हाल में पुलिस और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की दरख्वास्त पर मुसलमान रहनुमा आगे आए और अपने फेस्टिवल को 3 दिन तवील करते हुए दोनों फेस्टिवल्स को पुरसुकून तरीके से मनाने का फैसला किया। आज अल आरिफ हॉस्पिटल में मीलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीटिंग हुई जिसमें हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और कई मुसलमान रहनुमा, साउथ ईस्ट डीसीपी कांतिलाल पाटिल, साउथ जोन डीसीपी स्नेहता मेहरा और एडिशनल एसपी शेख जहांगीर ने हिस्सा लिया। सीवी आनंद ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अगर आप सब का ताउन रहा तो हम दोनों फेस्टिवल्स को पुरअमन और पुरसुकून माहौल में मुकम्मल करेंगे। मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के जरिए भी पुरसुकून तरीके से मनाया जाएगा। ये हैदराबाद में दोनों मजाहिब के फेस्टिवल्स को पुरसुकून और रवादारी के साथ मनाने के हवाले से बात की गई है। दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले साल जब मैं कमिश्नर के पर उनसे दरखास्त की थी कि ऐसे मुश्किलात हैं, हम क्या करेंगे, तो अपने आप अगर आप आगे आए थे और आप सब बातचीत करके एक ऐसा फैसला लिया था जो हमारे शहर में नहीं, ये देश के ये मुल्क के हर शहर में उसकी बातचीत हुई कि हैदराबाद ये ऐसा मिसाल कैसे बनाया। तो ये साल भी मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मिलकर ये फैसला लिया है। हम सब मिलकर इस मिलाद के जश्न को और ये जुलूस को पूरा सक्सेसफुल करेंगे। शुक्रिया। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें शमा न्यूज के साथ।